आप सबको मेरा नमस्ते और आप देख रहे हैं मेरे ये सुंदर गुलाब के पौधे जिनमें अप्रैल में भी कितने अच्छे फूल खिल रहे हैं। जो सर्दी में जो फूल खिलते हैं वो बहुत दिनों तक टिके रहते हैं और वो जल्दी से ख़राब नहीं होते, लेकिन जो गर्मी में इसे इस मौसम में जो फूल लगे हैं अप्रैल में, तो वो क्या है कि 2-3 दिन में ही ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, जल जाते हैं, तेज़ धूप पड़ी और ये ऐसे झुलस जाते हैं। मेरे गुलाब के सभी पौधों पे बहुत अच्छी कलियाँ आ रही हैं और ये देखिए कलियों से पूरा भर रहा है, देसी गुलाब है ये और इसमें भी खूब कलियाँ आ रही हैं। ये देखिए देसी गुलाब की है ये, इसमें भी खूब सारी कलियाँ आ रही हैं और ये देखिए ये भी पूरा कलियों से भर रहा है। बहुत गर्मी पड़ने पर ही ये गुलाब जो हैं फूल नहीं होते इन पर, ज़्यादा गर्मी जब हो जाती है तब इन गुलाबों के ऊपर फूल नहीं आते हैं। अगर कलियां लग भी जाती हैं तो वो खिलने से पहले ही जल जाती हैं। तो अभी देखिए अभी तो ठीक है, मौसम ज़्यादा इतनी तेज़ गर्मी नहीं है, लेकिन फिर भी इनका इतना ध्यान रखना पड़ता है। मैं इन पौधों के ऊपर रोज़ आके पानी का छिड़काव करती हूँ। देखिए ये मेरा बटन गुलाब है और इसमें भी देखिए कितनी सारी कलियां लग रही हैं। सर्दी के जो फूल लगते हैं तो वो जब खिलने में बहुत टाइम लेते हैं, तब तक वो बड़े मजबूत हो जाते हैं, लेकिन जो गर्मी के जो कलियां होती हैं गुलाब की वो बड़ी तेज़ी से खिल जाती हैं और ज़्यादा टाइम रुकती नहीं है पौधे के ऊपर। वैसे तो ये ऐसा गुलाब है, सॉरी ये ऐसा पौधा है, जब तक आप इसकी फूलों को अपने हाथ से तोड़ोगे नहीं तब तक ये ऐसे ही लगा रहेगा। देखिए इसका कलर भी ख़राब हो गया है, पुराना हो जाता है तब इसके कलर ऐसे हो जाते हैं। और ये मेरी गुलाब की बेल है और जल्दी इसमें भी कलियां लगने वाली हैं। ये भी सफ़ेद गुलाब है, इसका नाम समर स्नो है और ये खूब फूल देता है, इसमें गर्मियों में भी फूल आते हैं और कलियां भी आप देख लीजिए कितनी सारी आ रही हैं इसके अंदर। बहुत अच्छी कलियां आ रही हैं इसके अंदर। और ये देखिए मेरा बटन गुलाब ऑरेंज कलर का, इसमें देखिए आप 30 कलियां हैं इसके अंदर। अगर यही 30 कलियां सर्दी में लगी होती तो एक एक गुलाब का साइज़ जो होता बहुत बड़ा होता, और अभी जो है जैसे कि गर्मियां हैं और एकदम से खिल भी जाती हैं जल्दी से, इतनी छोटी कली होकर खिल जाती है। अगर सर्दी में ये लगा होता तो इतनी छोटी कली नहीं खिलती, थोड़ी और बड़ी होकर खिलती। और ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ये फूल, 30 कलियां मैंने इसको काउंट किया था, 30 कलियां इसके ऊपर पूरी। और ये देखिए ये गुलाब वही है जिसकी मैं पीली पत्तियां हो गई थी, जिस पर मैंने बताया था कि आप नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए और उसका रिज़ल्ट आप देख लीजिए। इसमें कलियां लग गई हैं, फूल भी तैयार हो रहे हैं और बहुत सारी कलियां लगी हुई हैं इसमें, 1, 2, 3 तो फिलहाल 3 ही दिखाई दे रही हैं मुझको। ये वाला गुलाब जो है इसमें भी जो बहुत बड़ा गुलाब आता है डबल ट्रिपल शेड का, वो वाला है। देखिए एक दिन पानी ना दिया जाए तो पौधों की हालत कुछ ऐसी हो जाती है, कल का मौसम अच्छा रहा तो इसलिए ये थोड़ा सा मरा नहीं। अगर मौसम ख़राब होता मतलब बहुत तेज़ गर्मी होती तो ये सब जल जाता, पीछे ये जल गई हैं पत्तियाँ, ये धूप की वजह से ही जली हैं। बटन गुलाब और इसमें बहुत अच्छे फूल आते हैं सर्दियों में, तो आपने इसका कलर देखा होगा उसमें, जिसमें मैंने बता रखा है कि एफिड से अपने प्लांट को कैसे बचाएं। अब ये जो गर्मियाँ आती हैं उसमें इसका कलर भी चेंज हो जाता है, ये देखिए, तो मैंने इसे थोड़ा हटा के रखा हुआ है ताकि जितनी कलियाँ लगी हुई हैं वो खिल सकें। थोड़ा मैंने ऐसी जगह पर रखा जहाँ पर सुबह की धूप मिल जाए इसको, बहुत है इसके लिए, क्योंकि ये ज़्यादा फूल तो सर्दियों में ही देता है और सर्दियों में इसके कलर बहुत सुंदर आते हैं। ये
इस गुलाब का जो कलर है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। मैंने अपने इसी गुलाब के ऊपर बताया था कि डाई बैग की प्रॉब्लम हो जाए तो हमें अपने पौधे को कैसे बचाना है। दो व्यूअर्स ने मुझसे पूछा है कि उनके गुलाब के अंदर नीचे तक डाई बैग की प्रॉब्लम आ गई है, जड़ तक आ गई है वो प्रॉब्लम। तो मैं आपको बताऊं कि ये भी प्रॉब्लम कुछ ऐसे ही आई थी इसके अंदर, और मैंने ये जो इतना एरिया जो है, ये जो हिस्सा है, इन सारे नीचे तक नीम की खली से ढक दिया था। नीम की खली से पूरा ढक दिया था इसको। अगर नीम की खली नहीं है तो आप फंजीसाइड पानी में घोल कर उसको आप इधर डाल दीजिए जड़ में, इसके यहाँ पर नीचे जहाँ पे ये प्लांट लगा हुआ है आपका, वहाँ पर आप डाल दीजिए। इसमें अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो ये तो मैंने इसकी खाद बनाने के लिए जो नारंगियाँ हैं वो इसी में छोड़ दी हैं, और क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो मैं अभी इनकी जो खरपतवार वगैरह है, ये तो खैर फ्लावर का पौधा है, छोटे छोटे से इसमें फ्लावर्स लगते हैं, तो अभी तो मैं इसकी कुछ वो नहीं करूँगी क्योंकि गर्मियों में पौधों को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये इनकी मल्चिंग का काम करते हैं एक तरह से। मैं आपको इस प्लांट में बताती हूँ कि जैसे अगर आपको डाई बैग का प्रॉब्लम यहाँ तक आ गया, ज़मीन, ये इंग्लिश गुलाब है, इंग्लिश गुलाब के यहाँ एरिया जो होता है वहाँ पर अगर डाई बैग का प्रॉब्लम आ गया तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देखिए मेरे इस वाले गुलाब में ये सब टहनियाँ जो हैं डाई बैग की शिकार हैं, लेकिन ये यहीं आके ख़त्म हो गई हैं, और जो पौधा है उसमें भी जान है, तभी इतनी ये देखिए नई नई शाखाएं आ रही हैं, इन पे फूल लग रहे हैं, इन पे कलियां लग रही हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। तो आप यहाँ इस एरिया में फंजीसाइड घोलकर आप डाल दीजिए, नहीं तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। आपको 2 चम्मच नीम ऑयल और 1 चम्मच डिश वॉशर जो है, या आधा चम्मच डिश वॉशर अच्छे से घोलकर इस वाले एरिया पे, पूरे इफेक्टेड एरिया पर आप उसका स्प्रे कर दीजिए, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपको स्प्रे जो है हफ्ते में, अगर आप नीम ऑयल कर रहे हैं तो आप उसको हर हफ्ते कर दीजिए, अगर आप कोई फंजीसाइड यूज़ कर रहे हैं तो आपको 25-30 दिन में दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। वैसे तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एक बार अप्लाई करने के बाद आप खुद ही अपने पौधे की हेल्थ को देखेंगे कि वो सही चलेगा। और अपने जो पौधा है ये, अब आप ये भी देख लीजिए, यहाँ से तो आप ये प्रॉब्लम को देख रहे हैं लेकिन इसकी जो ग्रोथ और हेल्थ देख लीजिए, इसमें कितनी सारी कलियाँ लग रही हैं ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मैरून रंग का गुलाब है, इंग्लिश गुलाब, और इसमें कलियाँ आप देख लीजिए, ये देखिए कलियों से भर रहा है ये पूरा। बस ऐसी स्थिति में हमें करना क्या है कि एक तो ये ख़राब पत्ते आप हटा दीजिए, इनके जो भी ख़राब पत्ते हैं वो हटा दीजिए, आप नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए। अगर नीम ऑयल नहीं है और उससे काम नहीं बन रहा आपका नीम ऑयल के स्प्रे से, तो आप इसके अंदर मेलाथिन नाम की दवाई आती है उसका स्प्रे कर दीजिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इतने सारे कलियाँ आ रही हैं, और अगर सर्दियाँ होती तो बहुत अच्छे से ये खिल जाती हैं, लेकिन गर्मी है तो बहुत जल्दी से ये खिल जाएंगी। अगर सर्दियाँ होती तो यही कलियाँ 15-20 दिन तक यूँ ही लगी रहती हैं, और उसके बाद धीरे धीरे वो खिलना शुरू होती हैं, लेकिन जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है तो ये कलियाँ बहुत छोटी छोटी सी खिल जाएंगी। तो ऐसे में हमें एक तो ये करना है कि इसकी, इसमें खाद डालनी है, आप गोबर की खाद डाल दीजिए इसके अंदर थोड़ी सी, नहीं तो गोबर का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं आप। अगर आपको सरसों खली है तो सरसों खली भी आप इसमें डाल सकते हैं, जैसा कि मैंने सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना सिखा रखा है, तो आप वैसा ही इसमें डाल दीजिए तो इसकी ग्रोथ और हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही अपने पौधे का ध्यान रखेंगे आप। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय।